वेलकम टू हैशटैग एजुकेशन पॉइंट। जितना नाज़रीन, टुडे वी डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ लॉ, क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर मींस फौजदारी कानून। फौजदारी कानून किसे कहा जाता है? रियासत में अमन अमान कायम करना रियासत की अवलीन जिम्मेदारी होती है। इसलिए अगर किसी शख्स पर कोई दूसरा शख्स हमलावर हो, उस पर कातलाना हमला करे, तो रियासत इस हमले को अपने ऊपर हमला सब्र करती है। और इसी के साथ साथ अगर कोई शख्स किसी दूसरे शख्स की आज़ादी और उसकी जायदाद पर हमलावर हो, तो ये हमला भी रियासत अपने ऊपर हमला सब्र करती है, क्योंकि किसी शख्स के ऐसे हमले से रियासत में बदअमनी पैदा होती है और रियासत का अमन अमान तबाह होने का खदशा होता है। इसलिए वो शख्स फौजदारी कानून के तहत सजा पाता है। जिस तरीके कानून के तहत वो सजा पाता है, इस कानून को क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल प्रोसीजर कहा जाता है, मींस फौजदारी कानून कहा जाता है। सेकंड वन, सिविल लॉ एंड प्रोसीजर, दीवानी कानून। दीवानी कानून माशरे के अफराद के शहरी हकूक का तयन करता है, शहरी हकूक की हफाजत करता है। इसी तरह जिस इस कैटेगरी में मुख्तलिफ किस्म के कवानीन आते हैं, जिसमें जायदाद, कर्जे के लेन देन एन और शादी ब्याह और मुख्तलिफ किस्म के जो से फैमिली मैटर्स होते हैं, वो तमाम केसेस सिविल लॉ यानी कि दीवानी कानून के तहत उनको प्रोसीड किया जाता है, मुख्तलिफ मुकदमान चलाए जाते हैं। जितना जिस तरीके से शहरी हकूक की हफाजत की जाती है, इसे सिविल प्रोसीजर, सिविल प्रोसीडिंग कहा जाता है।